या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। साहबा के टाइम में मस्जिदें सिविक सेंटर होती थी। हमारे मस्जिदें देखें क्या लाते हैं, जमात होती है बाहर इतना बड़ा ताला लगा देते, जमात होती है बाहर इतना बड़ा ताला लगा देते कि चलो कोई अंदर ना आ जाए, अल्लाह के घर ना आ जाए कोई। जो पूजा पाठ का काम था खत्म हो गया, नमाज खत्म, अगली नमाज पे खोलेंगे मस्जिद, अगली नमाज पे खोलेंगे मस्जिद। सेंट्रल पिलर था हमारे सिविक्स का, हमारे सिविक सेंटर मस्जिद होती थी। मस्जिद नबी से पूरा इस्लाम फैला है और यहां पे इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। मस्जिद में सोना मना है। पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने झूठों पर लानत फरमाई है और ये उसी का नतीजा है कि कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर के नाम पर यह दर्शाने की कोशिश करते हैं कि हम जो है ना मुसलमान और यूथ के जो है ना हम दर्द हैं और उलमा ने इनके लिए कुछ भी नहीं किया, या उलमा से या तंजीमों से या इल्मे दीन से इनको बदजन करने वाले मामला होते हैं। ये बंदा जो बता रहा है, मुझे नहीं लगता कि शायद इंडिया के अंदर भी या पाकिस्तान में कोई ऐसा एरिया हो कि जहाँ पर हर नमाज के बाद मस्जिद में ताला डाला जाता हो और अगली नमाज में खोला जाता हो। कोई एरिया ऐसा नहीं है। ये बंदा सिर्फ झूठ बोल रहा है कि हर नमाज के बाद ताला डाल दिया जाता है और अगली नमाज के अंदर ताला खुलेगा। तो मस्जिद सोने खाने पीने के लिए तो वैसे भी नहीं है, लेकिन ये कि अपनी वहाबियत की सोच को लोगों पर थोपने के लिए और अहले सुन्नत के उलमा से लोगों को बदजन करने के लिए ये बंदा इस तरीके का झूठ का सहारा अपनी वीडियो के अंदर ले रहा है, जबकि ये हकीकत नहीं है। किसी मस्जिद के अंदर हर नमाज के बाद ताला लगने खुलने का सिस्टम नहीं होता, और जहाँ ये पाकिस्तान में है वहाँ तो गालिबन बिल्कुल भी नहीं होगा कि हर नमाज के बाद ताला लगाया या खोला जाए। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।